हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने चैनल फैमिली लाइफ एंड फन में। तो दोस्तों, हम टाइम टाइम पे कुछ नए नए वीडियो लाते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। यूट्यूब के जरिए से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और हम यहाँ अमेरिका में पंड्या फैमिली कैसे एंजॉय करती है, कैसे कुछ ऐसा टाइम भी आता है जब तकलीफ भी होती है, कुछ ऐसा टाइम आता है कि खुशियाँ होती है, तो वो सब हम आपके साथ शेयर करते हैं। वही परिपेक्स में, वही बात में हम आज एक नया वीडियो लाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, साथ में रहिए और आज एक बहुत बढ़िया चीज़ हम बनाने वाले हैं। हम एक्चुअली देसी स्टाइल से, गांवठी स्टाइल से यहाँ अमेरिका में बैगन भरता चूल्हे पे बनाने के जा रहे हैं। पूरा प्रोसेस हम चूल्हे पे बनाएंगे और वो भी अमेरिका में। जो पहले एक बार वीडियो में हमने चूल्हा बनाया था वो आपके साथ शेयर किया था, पर आज वही चूल्हे पे फर्स्ट टाइम हम लोग बैगन भरता का सब्जी बनाने जा रहे हैं। और वो जो रेसिपी है, वो जो मेरी वाइफ बनाती है, वो सही में आप नोट कर लीजिए और आपके घर में भी वो बनाइए। और अगर हो सके तो चूल्हे पे बनाइए, लकड़े में बनाइए या कोयले में बनाइए। आप यकीन करो, आप जो घर पे गैस पे खाना पकाते हो और पकाते ही होगे, पर वो बात और लकड़े में पके और कोयले में पके 100% डिफरेंस है। 100% लाइक 360 व्यू, वो बोलते हैं ना, पूरा अलग टेस्ट आएगा। तो चलो, हम आज बनाते हैं बैगन भरता और वो भी हमारे ये चूल्हे में था। ये जो चूल्हा था, आज हम यहाँ लकड़े से, ये फिर मैंने सीमेंट बीमेंट डाल के सब पक्का कर दिया। ये अभी मुंह नहीं होगा, ये मुंह नहीं होगा, पक्का कर दिया है सीमेंट डाल के और इसको परमानेंटी चूल्हा बना दिया है। इसी चूल्हे में हम आज लकड़े में पकाएंगे बैगन भरते की गांव स्टाइल सब्जी। चलिए दोस्तों, फिर रेसिपी भी नोट करते रहिए और देखते रहिए, आपको भी मजा आएगा और आप देखते हो हमको भी हौसला मिलता है आपसे। तो बच्चे लोग एक्साइट है, आज हेल्प में लग गए हैं, ये सब लाके वो बैगन भरता हम जो आज गांवठी स्टाइल बनाने वाले हैं, तो उसके सब प्रिपरेशन में बच्चे लगे हैं। अब ये हमारा जो बैकयार्ड का पूरा सेट है टेबल का, वो अब रूपा लगा रही है। ये जो पूरा टेबल है हमारा, 6 चेयर है, पर हमने अभी 5 चेयर का ही लगाना का बोला है, क्योंकि फिर हम अभी 5 ही है, कोई अगर गेस्ट आता है तो नंबर 6 चेयर भी लगा देंगे। सेटअप हो गया है, अब हम सब चीजें रूपा अंदर प्रिपरेशन कर लिए। मैं वुड लाया हूँ, लकड़िया बाजार से, ऐसे यहाँ पैक में लकड़िया मिलती है, एकदम ड्राई लकड़ियाँ है चूल्हे में डालने के लिए। प्योर लकड़ियाँ लाया हूँ मैं, इसी लकड़ी से पकेगा बैगन भरता। दोस्तों फिर रेडी हो जाओ। हेलो दोस्तों, देखिए ये बैगन भरते का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बनाने का प्रोसेस चालू कर दिया। ये मैंने बैगन को ऐसे ऑयल लगाकर ऑयल में रखने के लिए।
दोस्तों हमारा चूल्हा अब चालू होने वाला है, मींस हो रहा है धीरे धीरे। ये हमारा फर्स्ट टाइम हम ये चूल्हे को यूज कर रहे हैं और बच्चे एक्साइटिंग है, अमेरिकन बॉर्न देसी बच्चे उनको कहाँ पता कैसे कैसे चूल्हा बनता है, उन्होंने तो बार्बर की देखा है, वो स्टील का आता है। ओके अपना चूल्हा चल पड़ा, अपना चूल्हा चल पड़ा, अपना चूल्हा चल पड़ा, अपना चूल्हा चल पड़ा है, अपना चूल्हा चल पड़ा है। हाँ ठीक है, फॉइल में लपेट के हम लोग ने अभी रख दिया है, इसको काफी टाइम तक रखना पड़ेगा बराबर जब तक रोस्ट ना हो जाए। तूफान मस्ती हाँ। ये लहसुन में गार्लिक जिंजर और इसके अंदर ग्रीन चिली भी डालेगा, तो अंदर जाके फिर मैं रेडी करूंगी मसाला, तो मैं बाहर लाके इसको यहीं पे पकाएंगे हम लोग पॉट में, यहीं पे पॉट रखे रख के पकाएंगे पूरा। इसको भी ग्राइंडर करना पड़ेगा, ग्राइंड करके मैं पीस के लाऊंगी बाहर, तो अभी ये रेडी कर रही हूँ मसाला। बच्चों को मजा आ गया है आज, बैकयार्ड पार्टी हो गया है, प्लस बीन्स एंड राइस अभी खा रहा है दोपहर में, और दारा पिज्जा हमने परसों मंगाया था तो वो फ्रोजन में था, उसको भी अभी पिज्जा खा रही है, थोड़ा लाइट ही मिस इट्स लाइट, क्योंकि फिर तो ये मस्त मस्त खाना पक रहा है, तो फिर वही उसका ही मजा लेंगे ना ये लोग।
गया है हमारा, देखो कितना अच्छा हो गया है तीनों के तीनों। अभी इसका स्किन निकाल दी हूँ, स्किन तो निकालना पड़ेगा। स्किन निकालने के बाद उसको हम थोड़ा सा कट करके फिर मसाला वसाला डाल के पकाएंगे। ये देखिए ऐसा स्किन निकल गया। ढक दिया है ऊपर, अभी इसके अंदर ऑयल में डाल रही हूँ। वाओ क्या बारबेक्यू बन रहा है आज तो, बैगन बनता है इतना अच्छा बनेगा। ग्रीन गार्लिक अंदर डाल, ये क्या अनियन मैंने काट के रखा था, ये ग्रीन अनियन। ग्रीन गार्लिक, उसके बाद ग्रीन ऑनियन, वाव लज्जेदार मज्जेदार। बैगन भरता, बैगन भरता लज्जेदार मज्जेदार। ये ज्यादा थोड़ा ज्यादा ही डालते हैं तो उसका टेस्ट फ्लेवर अच्छा आता है। हाँ तो दोस्तों मैंने ग्रीन ऑनियन डाला था और ग्रीन गार्लिक भी डाला था, तो अभी वो पक गया है। अब इसमें मैं डालूंगी ये रेड चिली पाउडर, चिली पाउडर अभी, हल्दी पाउडर अभी, इसमें मैं डालूंगी ये मैंने अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया था, तो अभी ये डालूंगी। अंदाज से ये क्वांटिटी इतना है तो इसके हिसाब से मैं डालूंगी। इतना मजेदार लग रहा है आज तो, इतना अच्छा पकेगा। रोज तो मैं बनाती हूँ घर पे अंदर स्टोव में, लेकिन आज तो बाहर बनाने का कुछ अलग ही है। क्या खुशबू आ रही है, इधर मैं शूट कर रहा हूँ इधर क्या खुशबू आ रही है। इतना ही डाला है अभी रूपा ने, ग्रीन पिसा हुआ मसाला और ग्रीन ऑनियन ग्रीन गार्लिक डाला है, तब भी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये अभी मैं डाल रही हूँ एक प्लांट बैगन जो हमने किया था इसके अंदर पकाया था, ये गया अंदर। ये मेरा ड्रीम था एक्चुअली कि मैं अमेरिका में इंडिया के विलेज की तरह खाना पकाएंगे हम लोग और हम लोग खाएंगे, और ये मेरे बच्चे अमेरिका में ही बॉर्न हुए हैं, अमेरिका में ही उनका जन्म हुआ है, तो उनको भी अपना कल्चर, अपना हिंदुस्तानी कल्चर सीखने को मिल रहा है और वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। वो लोग दोपहर से वो लोग बाहर ही है और वो इतना एंजॉय कर रहे हैं। पलास और दारा भी बहुत एंजॉय किया, दारा के अंदर भी जाना अच्छा नहीं लगता, इतना एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। लाइक दोपहर से इधर ही है मेरे साथ ही, दारा पलाश दोनों। एक्चुअली ये जो फायर है ना उसमें ज्यादातर पलाश ने ही हेल्प किया है। ये देखिए ये रेडी हो चुका है, हम लोग ने पकाया था इसमें और अभी फाइनली मैं तड़का करने जा रही हूँ। ऑयल ऑलरेडी रख दिया है, अभी देखते हैं गर्म हो गया है ऑयल तो उसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन गार्लिक और रेड चिली पाउडर डालूंगी, उसका तड़का लगा दूंगी और हमारा डिश रेडी आज का।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप मानिए कि आज का इतना अच्छा बना है, ये देखिए। ये देखिए कितना अच्छा बना है। अभी बच्चों को इतना भूख लगा है तो मैं उनको सर्व कर लूंगी। उन लोग को बोलूंगी कि तुम लोग बैठ जाओ, खाना रेडी है। फाइनली हमारा गांव के स्टाइल का खाना रेडी है, बैगन भरता के साथ। ये मेरे बाजरे का रोटला है। हमारे गुजरात में और राजस्थान में ये बाजरे का रोटला बहुत फेमस है। मुझे भी पसंद है बाजरे का रोटला। और ये गेहूं की रोटी है। तो मैंने और रूपा ने बाजरे का रोटला और गेहूं की चपाती रोटी भी ली है, और बच्चों ने गेहूं की रोटी ली है। तो आज हम देखो हमारा अब फील कर सकते हो, राइट दोस्तों? अब फील कर सकते कि हम क्या एंजॉय कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम यहाँ वीडियो का एंड करते हैं, और अगले वीडियो में कुछ नया ऐसा ही कुछ अच्छा फैमिली के साथ में एंजॉयमेंट लाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल फैमिली लाइफ एंड फन। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय बाय। दादा बोल रही है बाय 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 बाय। एवरीबॉडी बाय बाय, लव यू।